दुआ कर सकते हो भगवान से उतनी दुआ करो यार। अमित भाई को अभी कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाया उनको। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज ये बताते पे बहुत ज्यादा दुख हो रहा, कहाँ हमारे अमित भाई को सांप ने काट लिया है और वो भी कोबरा सांप ने काटा है। और मैं और मेरी फैमिली पूरे इतने दुआ कर रही है कहाँ बहुत अमित भाई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और पापा ने जैसे सुना तो बोल रहे ऐसे कैसे हो गया, और सभी लोग दुआ कर रहे हैं कहाँ बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कहाँ आप लोग भी दुआ करो, बहुत जल्दी वो हॉस्पिटल में है। पहले आप वो ये वीडियो देखिए गाइस। बस आप जितनी आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी देवता को मानते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, जिसमें भी आपकी आराधना है, आप उससे एक प्रेयर करो यार कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वापस से चैनल पे आए। वही हम वही एनर्जी वही चीज देखना चाहते हैं यार। आज उनको इस हालत में देख के ना मैं कसम से यार अंदर से टूट गए बिल्कुल। वो होता है ना जब अपने अपना जो बिल्कुल ऐसा होता है ना वो यार हिम्मत टूट गई भाई। देख सकते हैं गाइज कहां उनके टीम मेंबर भी बहुत ज्यादा रोने लगे हैं और मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं पापा भी हैं और मम्मी भी हैं। भाई मेरे तो बहुत दुख लग रहा है। अमित भाई जितने भी किसी भी जगह हो अच्छा अच्छा रहें और प्यार से रहें, पर मेरे तो आज ये दिमाग में मेरे इन्हें दिमाग में इंफेक्शन बच गया। जैसे भी सामने कोबरा सामने कोबरा सांप की बहुत बहुत वैल्यू होती है और बाकी ऐसा समझो मृत्यु होगी उस आदमी की, मृत्यु हो गई। मगर तुम्हारे तो आज मैं प्यार से समझा रहा हूँ मैं भाई इस आदमी के लिए इज्जत दो, प्यार दो, सब कुछ दो, संसार दो इस आदमी के लिए। बहुत सन्सा आदमी है, प्यार से इसके लिए इज्जत दो और ऊपर वाले से प्रार्थना करो ये आदमी अमित भाई मेरा भाई बचना चाहिए, मेरा बेटा है और बचना चाहिए, इसके लिए इज्जत दो, इज्जत दो। तो गाइस देख सकते हैं और बहुत ज्यादा परेशान है उन वो और उनकी फैमिली। अभी तो है हॉस्पिटल में भर्ती हैं क्योंकि कोबरा सांप जो होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उसका जहर बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है। और वो अपने सामान हटा बचा रहे थे जहाँ पे कि उनकी वो वीडियो बनाते हैं तो उसी में ही वो सांप निकला है। और बस आप लोग दुआ करना कहाँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, अभी हॉस्पिटल में है। बस मेरी पूरी फैमिली दुआ कर रही है कहाँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो बस इस वीडियो में मैं यही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कहाँ अमित भाई को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, दुआ की ज़रूरत है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा।